अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सी एस कुकिस्तान। और मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से ही आज मेरी जिनसे हैं 1K सेलिब्रेशन जिनसे मैं कर रही हूँ। और मैंने इसके लिए रेड वेलवेट केक बनाया, इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका, जो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़ना और उनको आंसर करना। तो साथ ही मैंने ये जिनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है रेड वेलवेट केक की, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैंने कहा कि मैं अपना केक खुद बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने जिनसा है रेड एंड वाइट को, वाइट थीम को चूज़ किया, और इसीलिए मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ। और इसमें मैंने अब फ्लोर ऐड कर दिया है, कोकोआ पाउडर डाला है। आप इंग्रेडिएंट्स जिनसे मैंने पहले पिक्चर में दिए आप वहाँ से देख लें, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगी इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो आप वहाँ से भी ईजिली देख सकती हैं। हाँ, मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं इसके अंदर वोला मेथड नहीं यूज़ कर रही हूँ कि पहले एग एंड शुगर्स को, शुगर को विस्क करें और फिर करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है प्रोसीजर और फिर इंसान थक भी जाता है। और मुझे ये क्विकली बनाना था, इसलिए मैंने सब कुछ एक इकट्ठा ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब मैं इसके अंदर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स से ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और फिर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाला मेथड करें, उससे आई नो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आप इस तरह से भी ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो और आपका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अंदर मैंने हॉट वाटर ऐड किया, वार्म वाटर नहीं। इसमें मस्ट है कि आप हॉट वाटर ऐड करें। और एग्स आप देख लें, सेपरेटली करके डाल लें। मुझे पता था कि मेरे एग्स ठीक हैं, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट ही ऐड कर दिए, अदरवाइज़ आप सेपरेट उनको बाउल में निकाल के फिर ऐड करें। और मैं अब इसके अंदर जौनसा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। कलर मैं जौनसा सबसे लास्ट पे ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर जौनसा है, आई प्रीफर कि आप इसमें जेल कलर यूज़ करें। मेरे पास, मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने जौनसा इसमें लिक्विड कलर ऐड किया है। अदरवाइज़ जेल कलर जौनसा सबसे बेस्ट रहता है। अगर मुझे भी अवेलेबल होता तो मैं डेफ़िनेटली वही वाला यूज़ करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने जौनसा लिक्विड कलर यूज़ किया है, क्योंकि बेक होने के बाद इतना ज़्यादा रेड नहीं रहता जितना ये रेड दिख रहा है। जेल कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा यूज़ होता है, और उसमें रेड कलर जो सा बेक होने के बाद भी जो सा रहता है, जाता नहीं है। और मुझे कोको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो इसको 1 टेबल स्पून भी कर सकती हैं या 1.5 भी कर सकती हैं। ये अच्छी तरह से मैंने सारा बैटर मिक्स करके मैंने इसमें वैक्स पेपर लगाया, क्योंकि मेरा मोल्ड जो सा डीमोल्ड नहीं होता, ओपन नहीं होता, इसलिए मैं इसको, मुझे लिफ्ट करने में ईजी होगा, इसलिए मैंने इसको जो सा ऐसे यूज़ किया। अब मैं इसको बेक होने के लिए रख ली हूँ। आप मेक श्योर कि जो सा आपके कैसा टेम्परेचर है आप उसके अकॉर्डिंग रखना। मेरा जो सा इलेक्ट्रिक ओवन है, तो इसलिए मैंने इसको जो सा 15 मिनट्स वैसे किया था, और बाकी ब्रॉयल पे 10 मिनट्स मैंने इसको किया था। अब मैं इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने जेलेटिन लिया है, क्लियर जेलेटिन। प्लीज़ कलर वाला कोई जेलेटिन नहीं यूज़ करना, क्लियर अगर अवेलेबल हो तो आप वही यूज़ करें, आजकल तो बहुत ईजिली मिल जाता है, अदरवाइज़ आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। लेकिन इसे फ्रोस्टिंग अच्छी रहती है, इसलिए जेलेटिन यूज़ करने से ये, आप इसको 4-5 घंटे तक आपके केक के ऊपर जो सी आपने डिज़ाइनिंग की होती है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। इसलिए मैं, ये एक ट्रिक है, तो ये अच्छी रहती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है कि फ्रोस्टिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। मैंने अपने बाउल को पहले जो सा है 15 मिनट फ्रीज़र में रखा था, वो बहुत ज़्यादा चिल हो गया, और क्रीम को भी मैंने उसके साथ ही रखा हुआ था, तो दोनों ही चीज़ें मेरी जो सी हैं बहुत ज़्यादा चिल हैं, इसलिए मैं अब इसको कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से क्रीम बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ हमारा किचन गर्म होता है और जैसे ओवन चल रहा होता है तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और फ्रोस्टिंग जो सी आपकी मेल्ट होना शुरू होती है, सेट नहीं होती। इसमें मैंने 2 कप्स जो सी क्रीम के ऐड किए, और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ हाई स्पीड पर। मैं रेड वेलवेट केक की जो सी है ये फ्रोस्टिंग बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर जो सा क्रीम चीज़ और चॉकलेट ऐड किया। लेकिन अगर आपको खाली चाहिए, ये दोनों चीज़ें नहीं, क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग नहीं चाहिए, तो ये क्रीम को बीट करना है आपने, और इसके अंदर ये क्रीम चीज़ जो सा मैं डाल रही हूँ आप स्किप कर दें, अगर आप रेड वेलवेट केक नहीं बना रही और क्रीम चीज़ आपको जो सी फ्रोस्टिंग नहीं चाहिए, और सारी जो सी है बाकी की फ्रोस्टिंग बिल्कुल ऐसी ही होगी। लेकिन मुझे जो सा है क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें 100 ग्राम जो सी है क्रीम चीज़ ऐड किया। आप कोई सी भी जो सी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन रिकोटा चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी। और मैं इसमें वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप लिक्विड वनीला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए ऐड करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे और बढ़ने में मदद मिले। मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेसबुक पर फॉलो करें, आपका जो कोई फीडबैक वगैरह मुझे दें। मैंने इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड किए, इसको मैंने सिर्फ 30 सेकेंड जो है माइक्रोवेव किया था, ज़्यादा नहीं करना अदरवाइज़ ये ओवरकुक्ड हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आप फ्रोस्टिंग वैसे ही बना रही हैं तो उसमें ये वाइट चॉकलेट चिप और क्रीम चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब यही चीज़ें ऐड करनी है। और ये वही मल्टी फ्रोस्टिंग है, ये आप किसी भी केक के ऊपर यूज़ कर सकती हैं, अपने फ्रूट केक पे यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल केक पे यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि मैं क्रीम चीज़ वाला बनाया है, इसलिए मैंने इसमें क्रीम और चीज़ और वो ऐड किया है वाइट चॉकलेट चिप। अदरवाइज़ आप इसमें क्रीम, शुगर और जेलेटिन है वो डालेंगे। मैं कब जेलेटिन ऐड करूँगी वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो जी, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे फेसबुक पे अपना फीडबैक दें, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने का, मुझे बहुत मज़ा आता है आपका, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और यह आज इसी वजह से मैं 1K सब्सक्राइबर पर पहुँची हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला का भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और आप सबका मैं एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में इतनी मदद दी। ये फ्रॉस्टिंग के अंदर अब जो सी मेरी है, मैं इसमें जेलेटिन ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैंने 10 मिनट्स इसको फ्रिज में अगेन रखा था, सेट हुई, तो अब मैं फिर इसमें ऐड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में नहीं डालना, स्टार्टिंग में डालने से ये ख़राब हो जाएगी। मैं आपको फिर से एक दफ़ा इसकी रेसिपी बताती हूँ कि 2 कप्स मैंने इसमें जो ये क्रीम ऐड की थी, अच्छी तरह से मैंने हाई स्पीड पर इसको बीट किया और फिर इसके अंदर आप शुगर ऐड करें, फिर बीट करें और आखिर पे जेलेटिन डाल के इसको आप फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट फ्रीज़र में रखें अगर ज़्यादा टेम्परेचर आप लोगों का हाई है, तो फिर उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। और अगर क्रीम चीज़ के लिए तो इसमें वाइट चॉकलेट चिप और क्रीम चीज़ मैंने ऐड की है। अब मैंने इसको दोबारा से 10 मिनट्स के लिए हाई पे स्पीड पे बीट किया था, ये देखें बिल्कुल हो गई है। और अभी ये फ्रीज़र में 5 मिनट में रखूँगी, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। ये केक मेरा यहाँ पे बेक हो गया क्योंकि मैंने ब्रॉयल पे लगाया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर से इसके जो सा है बर्न का मार्क आ रहा है, अदरवाइज़ ये हमने कटिंग करनी है तो नॉट अ बिग डील, इतना आ गया, नो प्रॉब्लम। मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग करी, अगर आपके पास कटर है तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, नाइफ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इट्स ओके। अगर आपको बेकिंग ज़्यादा शौक है तो आप अपने टूल्स जो से हैं वो वाले भी ले सकते हैं। मैंने केक को कटिंग करके क्लिंग फिल्म में रैप करके फ्रिज में रख दिया था। जब 15 मिनट्स हो गए, अच्छी तरह से कूल डाउन हो गया, तो मैंने इसको निकाला, अदरवाइज़ गर्म गर्म पे हम यूज़ करेंगे तो ये जो है हम लोगों की फ्रॉस्टिंग बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग मैंने नीचे लगाई है ताकि केक इस पर सेट रहे। आप चाहें तो इसको, आपके पास अगर टर्निंग टेबल नहीं है तो आप इसको नीचे बाउल और भरा प्लेट रख के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हों। मैंने इसमें शुगर सिरप डाला था, अगर आप चाहें तो कोई फ्रूट का भी जो उनसे कैंस में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ 3 टेबलस्पून शुगर थी और 2 टेबलस्पून हॉट वाटर था, उसके साथ मैंने मिक्स करके उसके ऊपर स्पंज में जो है मैंने ब्रशिंग कर दी है। अब ये मैं फ्रॉस्टिंग इस पर लगाती जा रही हूँ और सेट करती जा रही हूँ। देखिए फ्रॉस्टिंग अब कितनी अच्छी सेट हो गई है, अदरवाइज़ अगर आप जेलेटिन को स्किप भी कर देंगे तब भी ये सही रहेगी, लेकिन हाई टेम्परेचर प्लेसेस के लिए पाकिस्तान में और इस तरह ये ज़्यादा बेहतर रहती है, इसलिए मैंने आपको आपके साथ ये ट्रिक जो शेयर की है जेलेटिन वाली। अगर आपको क्लियर जेलेटिन नहीं मिलता तो प्लीज़ आप कलर वाला जेलेटिन नहीं यूज़ कर देना, उससे सारा ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेयर वाला मुझे केक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने सिर्फ 2 लेयर्स वाला बनाया है, अदरवाइज़ केक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो फिर खाया नहीं जाता। इसके ऊपर फिर अगेन मैं शुगर सिरप जो सा है ब्रश कर रही हूँ और फिर से फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। मैं फ्रॉस्टिंग को लगाती जा रही हूँ और इसको सेट करती जा रही हूँ। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किचन में हाई है तो आप ऐसा कर लें, या आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इसको जो सा है 5 मिनट फ्रिज में रख के फिर दोबारा निकालिए। मैंने 10 मिनट फ्रिज में रख के जब ये सेट हो गया, इसके ऊपर सेकेंड लेयर मैं अब कर रही हूँ और इसके जो मैं एजेस और अच्छी तरह से कवर करती जा रही हूँ, जहाँ पर स्पेस रह गया होगा उधर मैं जो सा हूँ दोबारा से उसको कवर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं जो से आम नाइफ से ही इसको सेट कर रही हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल टूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखें कितना अच्छा सेट होता जा रहा है। तो इसलिए आप इस चीज़ से परेशान ना हुआ करें कि आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है तो आप कैसे केक बनाएंगी, क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कैसे सेट हो गई, आहिस्ता सेट होता जाएगा। बस आप रेफ्रिजरेटर में रखें, इसको ठंडा रखें और आपका किचन का टेम्परेचर जो सा है नॉर्मल होना चाहिए, या अगर ठंडा है तो बहुत अच्छी बात है।
अदरवाइज बेकिंग में मोस्टली ये होता है कि ओवन चल रहा होता है तो किचन का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए मुश्किल होता है। लेकिन इसका सिंपल यही सोल्यूशन है कि आप इसको फ्रिज में रखें और फिर निकालें। थोड़ी सी देर लेगा लेकिन ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। मैंने इसको फिर से 5 मिनट फ्रिज में रख के दोबारा निकाला है और अब मैं इसको सेट करती जा रही हूँ। बहुत आराम से सेट होता जा रहा है। और जो कि हमने जेलेटिन फ्रोस्टिंग में डाली थी उसकी वजह से ये और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, मेल्ट बिल्कुल नहीं होगी आपकी फ्रोस्टिंग। अब मैं इसके ऊपर मिरर ग्लेज बना के डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी तरह भी इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था कि मैंने थीम रेड एंड वाइट चूज़ किया था तो मैंने कहा कि मैं इसके रेड ग्लेजिंग ही ऊपर दूंगी। अगेन मैंने जेलेटिन को जो सा मिक्स करके रख लिया। जेलेटिन को डायरेक्ट नहीं डालना, हॉट वाटर के साथ मिक्स करके रखना है। जब ब्लूम हो जाएगी फिर इसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली अवेलेबल हैं। किसी बेकरी से भी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं आसानी से। अदरवाइज़ आप अपनी भी अगर कुछ करना चाहते हैं वो करें, बल्कि जो आप कुछ ट्राई वगैरह करें मुझे करके बताएं कि आपने इसमें ये चेंजिंग करके इस तरह से ट्राई किया था। पिक्चर्स शेयर करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की भी शेयर करूंगी जो जो आप मेरा ट्राई करेंगे। तो इसलिए अगेन मुझे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और मुझे और मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूँ आपके लिए। इस तरह से मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे हेल्प मिलती है कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें डालूं। मैं इसको एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। मैंने वाटर डाला था, इसमें शुगर ऐड किया और चॉकलेट, जैसी वो शुगर मेल्ट हो गई मैंने जो सी है वाइट चॉकलेट चिप ऐड करके थोड़ा सा बस हीट दिया 2 मिनट्स और मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया। अदरवाइज़ ये जो सी चॉकलेट ज़्यादा पक जाएगी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बस मैंने इसको मेल्ट करने के लिए हल्का सा हीट पर रखा और मैंने उतार लिया क्योंकि मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा हाई हीट पर था, 2 मिनट्स इनफ थे। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसमें अब रेड कलर मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैं अगेन आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आप जेल कलर यूज़ करेंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो कलर बहुत अच्छा पकड़ता है। लिक्विड जौन सा है फूड कलर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है फाइनल लुक में। अदरवाइज जेल कलर अवेलेबल हैं तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिले तो फिर मुझे यही यूज़ करने पड़े। और इसके ऊपर आप जो ग्लेजिंग है डायरेक्ट भी डाल सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट डालने से ये होता है कि ज़्यादा मैसी हो जाता है और मुझे ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए था। बेकिंग में मोस्टली ऐसे मैस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और फिर मुश्किल हो जाती है किचन को क्लीन करना। तो मैंने इसको बॉटल में, स्क्वीजी बॉटल में डाल लिया और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है पोर करती जा रही हूँ और वो आहिस्ता सा गिरता जा रहा है। आप देखें मेरा बिल्कुल भी नीचे ट्रे वगैरह जो सा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं डाला था। उस तरह से ज़ाया भी हो जाता है और फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होता और आप उसको दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते। मैंने बाद में ये ग्लेजिंग बहुत जगह पे भी यूज़ कर ली थी और मैंने सोचा कि मैं इसके साइड पे फ्रोस्टिंग नहीं करूँगी, चॉकलेट चिप ही मैंने इसमें जो से ना ऐड कर दिए। और अब ये देखिए मेरे जेलेटिन फ्रोस्टिंग में डालने का फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे फ्लावर्स कितने अच्छे प्रॉपर निकल रहे हैं जो मैं ऊपर ये इस तरह कर रही हूँ फ्लावर्स ऐड। अदरवाइज़ ये होगा कि आप इसको जब बना के रखेंगे आपके फ्लावर्स 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन जेलेटिन डालने से ये होगा कि मेल्ट नहीं होंगे, 2-3 घंटे के लिए आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स थोड़े से ऐड कर दिए क्योंकि अच्छे लगेंगे और बाकी बस मैंने इसके ऊपर और कुछ नहीं किया। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ राइटिंग भी कर सकते हैं या जो कोई आप अपना आइडिया यूज़ करें तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या किया है। इसकी सर्विंग कर रही हूँ। मैंने इसको अरेबियन गावा के साथ सर्व किया था, इसका बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन लग रहा था। आप भी इस कम्बिनेशन को मस्ट ट्राई करें। और मैंने लाइव किया था अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़ा आया था उधर। मैंने टेस्टिंग भी की थी और अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको अपने सजेशन में ज़रूर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी। और वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, फ्रेंड्स एंड फैमिली का, और जिन जिन्होंने मुझे अब मेरे लाइव में ज्वाइन किया था उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन, आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी मुझे इस तरह से अपना प्यार देते रहें, इस तरह से मोटिवेट करते रहें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती रहूँ। और मैंने इसको जो सा है इस अभी मैं इसका एक स्लाइस आपको कट करके दिखाऊँगी। और अगर आप मेरा लाइव देखें और मुझे उधर भी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और ये मुझे फीडबैक देते रहा करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मेरी जिनसी हैं और भी वीडियोस जिनसी हैं आप वो भी देख के मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती हैं। अगर आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं वो भी बताएं, कोई आपकी रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझे जिनसे है कमेंट्स में बताएं, इंस्टा पे या फेसबुक पे आप मुझे बता सकते हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।